हेलो एवरीवन, वंडर मम चैनल में आप सबका स्वागत है। सुबह को नाश्ते में क्या खाए वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमने नाश्ते में क्या बनाया। यहाँ हम 3 कप मैदा लिए हैं, उसमें हम 1/2 टीस्पून नमक देंगे। इसमें अब हम 2 टीस्पून तेल देंगे। इसमें हम व्हाइट ऑयल का यूज किए हैं। अब इसे हम मैदे में अच्छी तरह से इसको मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे और इसे हम अच्छी तरह से गूंथेंगे। ये देखिए, ये हमारा गूंथना हो गया है। बहुत अच्छी तरह से इसे गूंथना है, ना बहुत ज़्यादा नरम करना है ना बहुत ज़्यादा टाइट, ताकि आपका पूरी फट ना जाए। अब हम छोटे छोटे ऐसे गोले बना लेंगे और उसके बाद पूरी की तरह इसे अब हम बेल लेंगे। बेलते समय हम थोड़ा सा इसका जो आपका बेलनी और चक्की है उसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे, तो इससे आपका पूरी बहुत अच्छी तरह से बेल सकते हैं। हम पहले कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और तेल गरम होने के बाद उसके बाद हम एक एक करके पूरी देंगे और जब वो पूरा फूल जाए तो उसे हम उठा लेंगे। इस तरह से हम एक एक करके सारे पूरियों को हम तल लेंगे। आज हम चिकन छोले बनाएंगे। इसके लिए मैंने चने को रात भर भिंगो के रखी थी और सुबह मैं इसे प्रेशर कुकर में 15 मिनट के लिए इसे बॉईल कर ली हूँ। यहाँ हम कढ़ाई को गरम किए हैं और उसमें हम 2 बड़ा चम्मच तेल दिए हैं। तेल गरम होने पर कढ़ाई पे मैंने पहले सूखी मिर्च और तेज़पत्ता दी और साथ में कटी हुई प्याज दे दी। यहाँ मैं 2 कटी हुई प्याज दी हूँ। अब हम प्याज को अच्छी तरह से यहाँ पे पहले फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टमाटर कटी हुई हम दे देंगे और इसे भी अच्छी तरह से अब हम फ्राई करेंगे। अब इसमें हम प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्ची का 3 बड़ा चम्मच हम पेस्ट देंगे। उसे मैं मिक्सी में एक साथ पेस्ट कर ली हूँ। 1 टीस्पून हल्दी देंगे, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर देंगे, 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर देंगे। अब इसमें हम चिकन के छोटे छोटे टुकड़े को हम दे देंगे। इसे पहले मैंने धो के नमक हल्दी से मैरिनेट करके रखी थी। इसमें हम 1 बड़ा आलू को छोटा छोटा टुकड़ा कर लिए हैं, उसे अब हम दे देंगे। जब थोड़ा सा आलू और चिकन भुनना हो जाए तब इसमें हम उबाले हुए छोले को दे देंगे। अब हम 1 टीस्पून छोले मसाले का पाउडर देंगे। मसाला जब अच्छी तरह से भुनना हो जाए तब इसमें हम गरम पानी दे देंगे और इसे हम धीमी आंच में हम पकने के लिए रख देंगे। इसे हम ढक देंगे और धीमी आंच में होने देंगे। 15 मिनट बाद हम थोड़ा देख लेंगे। जब देखेंगे कि चिकन, छोले और आलू तीनों ही अच्छी तरह से आपका सॉफ्ट हो गया तो हम गैस को बंद कर देंगे। ये हमारा चिकन छोले बनके तैयार है। इसे अब हम गर्मा गर्म पूरी के साथ परोसेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये चिकन छोले रेसिपी और साथ में पूरी अच्छी लगी हो तो आप इन्हें खुद घर पे बनाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। हैव अ गुड डे।